जैसे कि आपको बताए थे हम लोग कि हम लोग पेरवा घाट की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग पेरवा घाट पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेरवा घाट पर्यटन स्थल में हम लोग थोड़ी ही दूर नीचे की ओर आए हैं, तो कितना मनोरम दृश्य हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि इस जगह पर आए और वहाँ पर का नजारा दर्शकों को दिखाएं कि ये कितने सुंदर वादियाँ हैं, कितने सुंदर पहाड़ों जंगलों के बीच में ये नदी जो है वो कितना सुंदर नजारा प्रस्तुत कर रही है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नीचे की ओर। मैं आप लोगों को नीचे की ओर ले जा रहा हूँ, आप लगातार बढ़े चलिए, देख रहे हैं किस तरीके से ये सीधी मतलब नीचे की ओर उतर रही है ये रास्ते। यहाँ पर आप लोगों को PCC पथ का निर्माण किया गया है ताकि आप लोग नीचे उतरने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। हाँ दोस्तों, ये पर्यटक स्थल, यहाँ पर अगर आप आए तो धूम्रपान का मदिरा पान का सेवन ना करें, ये काफी खतरनाक स्थल है। यहाँ पर आप नशा का प्रयोग बिल्कुल ना करें और अपने वाहन को जहाँ पर वॉच टावर वगैरह बना हुआ है वहाँ पर ही अपने वाहन को रखें, नीचे की ओर ना लाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे की ओर ये रास्ता ले जा रही है, तो लगातार देखते चलिए और वाहन को तो ना ही लाएं इस स्थान पर। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आए तो मदिरा पान का सेवन ना करें, अगर करते हैं तो गलती से भी बोतल को ना फोड़े, नहीं तो बोतल फोड़ना मना है, जुर्माना 1,000 रुपए। मतलब यहाँ की जो व्यवस्था समिति है उसके उन्हें आपको 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आए और ज्यादातर यहाँ पर आकर मदिरा पान नशा पान का सेवन ना करें। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पेरवा घाट के निचली सतह तक आ चुके हैं और देख सकते हैं ये कितना मनोरम है और कितना मतलब सुंदर है। पहाड़ों के बीच में पानियों का जमावड़ा काफी मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करता है। मैं अपने सहयोगी पवन जी को कहूंगा कि दर्शकों को चारों ओर का नजारा दिखाने की कोशिश करें। चलिए हम लोग चलते हैं फॉल की ओर और माना जाता है फॉल के बगल में एक प्राचीन शिवलिंग है जिनका रहस्य काफी अद्भुत है। तो चलिए मिलते हैं फॉल की ओर और मैं सामने की ओर कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए मिलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिया का निर्माण किया जाता है। अभी तो ये ध्वस्त हो चुका है, जब ये दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में आएंगे तो पानी काफी ज्यादा रहती है, तो उस समय स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ये पुलिया का निर्माण किया जाता है ताकि आप उस पर जाकर झरने का लुत्फ उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं फॉल की ओर, झरने की ओर। लगातार फॉल की ओर बढ़े जा रहे हैं और ये कितना मनोरम है और कितना खतरनाक है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि मैं अपने सहयोगी पवन जी को बोलूंगा कि वो सामने का नजारा को जरूर लें और देखिए मेरी आवाज किस तरीके से इस पर्वत में गूंज रही है, इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कुछ झरने के थोड़े से करीब पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर झरने का जो दृश्य है वो कितनी अद्भुत है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और कितना मनोरम है। और हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप इस ओर ना ही आए तो बेहतरीन होगा, क्योंकि ये काफी खतरनाक है, काफी गहरा पानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मछली मारने की कोशिश की जा रही है, तो चलिए हम उनसे मिलते हैं और यहाँ के बारे में कुछ जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं। यहाँ मछली मारते हुए अपना जो यंत्र है उसको पानी में फेंक रहे हैं। वाह, गजब गजब, अब देख रहे हैं मछली मारने के ये अद्भुत तरीका, वो भी बिना डांग के, वो भी बिना
लकड़ी का बिना बांस का जो बनता है लकड़ी, बिना लकड़ी का, बिना डांग स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग आ चुके हैं पेरवा घाग में और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा यहां पर मछली मारने का प्रयास किया जा रहा था और अभी भी किया ही जा रहा है, तो यहां के बारे में मैं इन लोगों से कुछ जानकारी चाहूंगा। तो भाई आपका नाम क्या होगा? विकास कर सकता है। आपका भाई साहब? सागर गुड़िया। आपका भाई साहब? तो भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर कितनी गहराई होंगी? तकरीबन 17 अलग अलग गहराई है। जैसे यहाँ आसपास ले लीजिएगा ना आपका 30-35 फीट जाएगा और वहाँ उससे ज्यादा है। अच्छा, झरना गिर रहा है ज्यादा? सबसे ज्यादा गहराई वहीं पर। अच्छा, कोना में और ज्यादा है? कोना में पानी पूरा लहर मारता है यहाँ से ले। तो बरसात के दिनों में तो ये काफी खतरनाक होती होगी, काफी लबालब पानी भरा हुआ रहता होगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का खतरा है, इसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए। खतरा तो ऐसा है नहीं सर, अपना सुरक्षा को लेकर चलने से जी। नहीं तो जैसे आ जाते हैं अंदाजी बहुत कुछ होता है ना यहाँ पर, कोई कोई नशाबाजी करके आ जाता है, बहुत हादसा हो चुका है जी। और ऐसा में फिर अगर सीधा साधा आएंगे घूमने के लिए तो अच्छा जगह है। बिल्कुल, आप कुछ बताना चाहेंगे भाई? यहाँ कुछ ही फिलहाल में एक हादसा हो गया, जो कि कमरा का एक वो लड़का था वो दारू पी का आया था और देखिए इधर चढ़ गया था और वहाँ से कुछ करने के लिए गया था लेकिन वो डूब के मर गया। अरे कब ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ जनवरी का 4 तारीख को। 4 जनवरी को कहाँ पर स्थित है? झरना के कुछ बगल में। झरना के कुछ बगल में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जनवरी के 4 तारीख को उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर कुछ काम करने के लिए गए थे, थोड़े से वो नशे में थे और गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, यहाँ पर आए धूम्रपान मदिरा पान नशा का मतलब क्या बोलते हैं उसे उपयोग ना करें, ये काफी खतरनाक है। आप आए और बाहर बाहर ही घूमें और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था समिति बनाई गई है उसका भरपूर लाभ उठाएं और इस मनोरम दृश्य का खूब से खूब लाभ उठाएं। तो आप लोग को लिए चलते हैं उस सामने झरने की ओर, तब तक लगातार बने रहिए ऑल इन वन के साथ। बढ़े जा रहे झरने की ओर और आप देख सकते हैं कि इस ओर कितनी खाई है, कितना गहरा पानी है। अगर पैर स्लिप करता है तो हम सीधे जाएंगे पानी की ओर में और यहाँ पर डूबने का अर्थ है मौत, यहाँ पर गिरने का अर्थ है मौत। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके का रिस्क ना उठाएं, हम तो आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं झरने के पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी पवन जी काफी हरासमेंट से बहुत संभल के इस मतलब झरने की ओर आ रहे हैं और वो काफी थक चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस झरने के बिल्कुल करीब पर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खाई है और बरसात के दिनों में ये पूरा झरने में तब्दील हो जाता है। काफी बड़ा फॉल है ये और काफी खतरनाक है, तो आप लोग इस ओर बिल्कुल ना आए। तो चलिए हम कोशिश करते हैं आपको उस झरने के सामने की ओर लिए चलते हैं, आप लगातार बने रहिए ऑल इन वन के साथ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी पवन जी किस तरीके से पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं और ये काफी खतरनाक है, वीडियो हिल सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे सहयोगी पवन जी किस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हैं, वो काफी थक चुके हैं और किस तरीके से ये खतरों का सामना कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो चलिए आपको हम लोग लिए चलते हैं सामने वाटरफॉल की ओर और आप देख सकते हैं ये कितना मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, ये बिल्कुल प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे टीम के सहयोगी पवन जी किस तरीके से ये खड़ी चट्टानों में नीचे की ओर लगातार आ रहे हैं, वो काफी थक चुके हैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और आप इस तरफ ना ही आए, ये काफी
स्लिप भरा हुआ है, खूब फिसलन भरा हुआ पत्थर है ये। इधर आप लोग ना आए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। तो आप लगातार बने रहिए ऑल इन वन चैनल के साथ। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हॉल के एकदम बिल्कुल करीब में, और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग मछली मारने के ये से हॉल के उस पार में गए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी जाल बुना जा रहा है। और ये इतनी गहराई पानी, गहरा पानी में अभी इस में जाएंगे जाल बुनने के लिए। तो आप देखते रहिए लगातार कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। आप लोग आए तो इस प्रकार की गलत तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं पेरवा घाट के ऊपरी सतह की ओर, जहां से फॉल गिरता है। ये काफी खतरनाक है, आप लोग इस तरह ना आए तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहां तक शिवलिंग का बात है तो उस गुफा में शिव जी का लिंग, प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। मैं आपको लिए चलता हूँ, कोशिश करता हूँ उस तक वहां तक पहुँचने का, और नहीं पहुँच पाऊंगा तो मैं ये आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ वहां तक जाने का। तो लगातार आप बने रहिए ऑल इन वन चैनल के साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं पवन जी काफी खतरा का सामना करते हुए आ रहे हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि हम लोग खाई की ओर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और जो गुफा के बारे में मैं बता रहा था जहाँ शिवलिंग है, तो मैं आपको लिए चलता हूँ उस गुफा के द्वार पर। आप देख सकते हैं ये छोटा सा गुफा का द्वार है, मैं आपको अंदर की ओर लिए चलता हूँ। यहाँ पर बाबा शिव जी का, बाबा भोलेनाथ का एक शिवलिंग की प्रतिमा बहुत अच्छे तरीके से विराजमान है। मैं अंदर घुस रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को उस नज़ारे को दिखाने का जहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों ये गुफा के अंदर बाबा शिव जी का लिंग है और बहुत अच्छे तरीके से विराजमान है। यहाँ पर पहाड़ों के द्वारा पूजा अर्चना कराई जाती है। ये काफी मनोरम है, बहुत सुंदर है। हम लोग गुफा के अंदर आ चुके हैं, और जैसा कि मैं यहाँ पर लेट के यहाँ का नजारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है और कितना ऊंचा है और बहुत मनोरम है। जी हमारे पास आ चुके हैं, अब देख सकते हैं कि गुफा के द्वार पर ये किस तरीके से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो पवन जी आप बताइए यहाँ पर आपको आकर कैसा महसूस हो रहा है? रेंगते घुसना पड़ रहा है संकेत जी। नहीं पवन जी, यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं जरूर बताऊंगा अपने दर्शकों को। यहाँ आने के बाद बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पहुँचना सौभाग्य की बात है। और यहाँ पहुँच के शिवलिंग का दर्शन करना, बाबा जी का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ, लोगों ही यहाँ आके बाबा का दर्शन करते हैं। तो पवन जी आप बताइए कि ये जो शिवलिंग की गुफा है और यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, ये कितनी खतरनाक जगह पर स्थित है? बहुत ही खतरनाक है, यहाँ घुसना बहुत ही मुश्किल है। मैं आप देख रहे हैं छोटा सा गुफा है, पर बहुत रेंगते मैं घुसा हूँ यहाँ तक, सांप बिच्छू की तरह। और यहाँ पर बगल से जो फॉल का नजारा जो जा रहा है पवन जी, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैं यही कहना चाहता हूँ दर्शकों को कि यहाँ से जो नजारा देखने का जो नजारा है बहुत ही मस्त, बहुत ही मजेदार है। और यहाँ ना आए आप लोग, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कष्ट है यहाँ पहुँचना। और कितना खतरनाक, कितना भयावह है? बहुत ही खतरनाक है। और मतलब दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में? मैं यही बोलना चाहूंगा संकेत जी कि ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा जगह पर है ये। और आप लोग यहाँ आए पिकनिक मनाने के लिए आए यहाँ, और ये खतरनाक जगह पे ना आए, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत ही खतरा है। तो यहाँ पर कोई ब्राह्मणों के द्वारा पूजा अर्चना कराई जाती है क्या पवन जी? जी नहीं, यहाँ ब्राह्मण द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ पहान द्वारा, ग्रामीण पहान द्वारा यहाँ का पूजा पाठ होता है। यहाँ का जो बाबा जी हैं उनको खुश करने के लिए पूजा पाठ की जाती है, ताकि यहाँ कोई दुर्घटना ना घटे। तो दोस्तों पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना सुविचार हम लोगों के साथ शेयर किए। तो दोस्तों
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल के आइकन में जरूर क्लिक करें। बेल के आइकन में क्लिक करने के बाद जो छोटा सा घंटी का आइकन आता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय माता रानी, जय बाबा भोले।